आजकल जो जम्मू और कश्मीर में 40 से भी ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए टेररिस्ट अटैक में, सुन के बहुत दुख हुआ। बहुत ही दुखद घटना है और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके परिवारों के सदस्यों पे क्या बीत रही होगी। सो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन सबकी आत्मा को शांति मिले। और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमें सही में उन्हें सम्मान देना है तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। हम बॉर्डर पर जाके लड़ेंगे नहीं, हमें वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनके जैसे इस तरह से बन सकते हैं कि उन सबका एक ही उद्देश्य रहता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, भारत और भारतीयों की सुरक्षा करना, भारत की भलाई देखना, वो तो हम कर सकते हैं ना। आई टू एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन बट आई कैन थिंक ऑफ दिस एंड आई फील वी ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हम अगर हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर हम एक डायरेक्शन में कुछ चीज़ पुश करते हैं, कुछ पुल करते हैं, तो वो ज़रूर संभव होगा जो हम करना चाहते हैं। पर अगर हम यहाँ कोई खींच रहा है, यहाँ कोई खींच रहा है, वहाँ कोई पुश कर रहा है, वहाँ कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज़ अ ब्लेम गेम दैट पीपल प्ले। अभी भी क्या हो रहा होगा, मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार की वजह से ये हुआ है, और कोई अगर वो कदम उठाएंगे तो ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं उठाएंगे तो दे डोंट डिजर्व टू बी देयर, और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये सब से क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वो कुछ कर रहे हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नहीं कर रहे तो चुपचाप बैठिए उनको, डोंट ट्राई टू पुल डाउन द पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, वेदर इट्स मोदी गवर्नमेंट और वेदर एनी वन कम्स। आई मीन लेट्स से इवन सम लो लाइफ ऑल्सो बिकम्स अ पीएम, बट इफ ही और शी इज वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव हिज और हर पास्ट, वाई नॉट सपोर्ट? Don't you want your country to prosper? Don't you want your countrymen, yourself to be safe, your family to be safe? तो कीजिए ना वैसा, सब एक साथ मिल के इंडिया के फेवर में काम कीजिए। नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठिए, जो काम कर रहा है उनके अगेंस्ट मत बोलिए। आप ऐसे सैनिकों का निरादर कर रहे हैं, सम्मान करना सीखिए, और हर एक लाइफ प्रेशियस होती है ये समझ लीजिए। आपकी लाइफ भी उतनी ही वैल्यू करती है जितना और किसी की करती है। वो जो सैनिक है वो रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है। उनके घर वाले तो और ज़्यादा, उनको तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। सैनिकों को तो कुछ ट्रेनिंग भी मिलती है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। वो बेचारों की तो और हालत ख़राब है, हम लोगों से भी ज़्यादा हालत ख़राब है। थोड़ा तो कीजिए, थोड़ा सोचिए उनके बारे में। जय हिंद बोलिए टू स्टार्ट विथ।